मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ओटीएस स्थित अस्थायी आवास पर मौजूद हैं। आपको बता दें ओटीएस आवास पर भी इस समय ठंड का सितम लगातार बना हुआ है। वहां पर ओटीएस आवास पर पुलिस के जवान सुरक्षा में मुस्तैद हैं। पुलिसकर्मी सर्दी से बचने के लिए आलाव का सहारा यहां पर भी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सर्दी का सितम जिससे कोई भी अछूता नहीं है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। ओटीएस जहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का अस्थायी आवास बना हुआ है और यहाँ पर जो सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी हैं, जवान हैं, वो भी इस सितम से, सर्दी के सितम से अछूते नहीं हैं। गर्म कपड़ों का सहारा लेती हुई तस्वीरें भी आप देख रहे हैं और साथ ही अलाव का सहारा भी यहाँ पर ये जवान लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का ओटीएस स्थित अस्थायी आवास, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो कोहरे की धुंध में इस समय पूरा शहर अटा हुआ है और उसी सर्दी, उसी कोहरे का असर सीएम आवास पर आप देख रहे हैं। सीएम आवास की तस्वीर जो कि पूरी तरह से कोहरे की इस ओट में ढका हुआ सीएम आवास बना हुआ है और यहां पर तैनात जवान सुरक्षाकर्मी अलाव का सहारा लेने को मजबूर हैं क्योंकि सर्दी काफी तेज है। और खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं मुख्यमंत्री आवास से हमारे सहयोगी अमित। अमित, प्रदेश में सर्दी बहुत तेज है, खासतौर पर अगर बात करें राजधानी की तो यहां पर आज कोहरा सबसे ज्यादा है। क्या तस्वीरें, क्योंकि आप ओटीएस पे खड़े हैं, यहां पर लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो गया होगा, मुख्यमंत्री आवास है, लोग मिलने जुलने आ रहे होंगे, क्या तस्वीरें यहां पर नजर आ रही है आज सर्दी को देखते हुए और कोहरे को देखते हुए? जी बिल्कुल सौरभ, मैं अभी ओटीएस स्थित मुख्यमंत्री के अस्थायी आवास पर मौजूद हूँ। सर्दी का सितम इतना है कि करीब 10:15 का समय हो गया, लेकिन अभी तक किसी भी व्यक्ति के यहाँ आने की कोई सूचना नहीं है मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री से मिलने के लिए। जबकि ये सिलसिला, लोगों का मुख्यमंत्री से मिलने का सिलसिला जो है सुबह 8 बजे से शुरू हो जाता है, लेकिन आज 10:15 तक लोग यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं मिलने के लिए। सीएम अपने आवास में मौजूद हैं, यहाँ सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था है। पुलिसकर्मी, जो सुरक्षाकर्मी यहाँ मौजूद हैं, वो जरूर बारी बारी से अलाव का सहारा लेकर के अपने सर्दी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। जी जी, अभी और क्या कुछ कार्यक्रम आज सीएम का रहने वाला है, क्योंकि आज महत्वपूर्ण दिन है, डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस है, प्रधानमंत्री आने वाले हैं, गृहमंत्री आने वाले हैं, रक्षा सचिव भी आने वाले हैं, तो फिलहाल उसको लेकर क्या कुछ गहमा गहमी सीएम आवास पर? बिल्कुल सौरभ, हालांकि आज जो अपने आप में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस जयपुर में आयोजित है, लगातार 3 दिन तक ये कॉन्फ्रेंस चलेगी। इसमें गृह मंत्री अमित शाह आने वाले हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम में पहुंचने वाले हैं। शाम में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर एक अहम बैठक भी रखी है जिसमें करीब 144 जो विधायक और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं वो रहने वाले हैं। तो उसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शाम में मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर ये भी आ रही है कि अमित शाह को लेने, जब अमित शाह दोपहर 1 बजे के आसपास अमित शाह का जयपुर एयरपोर्ट पर उतरने का कार्यक्रम है, तो अमित शाह को लेने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंच सकते हैं। हालांकि आधिकारिक कोई किसी भी तरह की किसी भी कार्यक्रम की अभी तक कोई पुष्टि नहीं है कि क्या कुछ आधिकारिक कार्यक्रम रहे। ठीक है अमित, आप इस समय ओटीएस जो कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का इस समय आवास है, यहाँ पर आप मौजूद हैं। मैं जानना चाहूँगा वहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में, क्योंकि सर्दी बहुत तेज है, ऐसे में जो लोग बाहर से आते हैं उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था होती है, क्योंकि जनसुनवाई यहाँ पर मुख्यमंत्री करते हैं, बड़ी संख्या में लोगों के पहुँचने का सिलसिला भी यहाँ पर जारी रहता है। जी बिल्कुल सौरभ, मैं दिखाना चाहूंगा, मेरे कैमरा सहयोगी मुकेश से बोलूंगा, एक बार वो यहाँ की तस्वीर दिखाएं कि यहाँ सामने सीधा मुख्यमंत्री का आवास है, मुख्यमंत्री सामने आवास में मौजूद है। यहाँ सुरक्षा की पूरी तरीके से चाक चौबंद व्यवस्था है, पुलिसकर्मी यहाँ पर 3 लेयर में पुलिसकर्मी मौजूद है। कुछ पुलिस के अधिकारी और जवान जो है वो यहाँ पर अलाव का सहारा लेकर और तपते दिख रहे हैं, जो सर्दी से सितम, सर्दी का जो सितम बहुत तेजी पे है सर्दी, उससे बचने का जतन लगातार कर रहे हैं कुछ पुलिस के अधिकारी हैं। हालांकि सर्दी वास्तव में आज रोजाना से ज्यादा है, यहाँ जब बैठ करके बात की, क्योंकि ये एक चारों तरफ से पेड़ पौधों से घिरा हुआ एक जो आवास है, ये जगह है, तो यहाँ सर्दी और कोहरा
मतलब बाकी दिनों से काफी ज्यादा है और बाकी जगहों से जयपुर शहर के अन्य जो जगह हैं वहां से ज्यादा कोहरा यहां पर देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ समय अगर एक घंटे पहले की बात करें सौरभ, तो यहां 100 मीटर की भी दृश्यता नहीं थी, 100 मीटर की भी विजिबिलिटी नहीं थी, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे सूरज चढ़ रहा है विजिबिलिटी बढ़ रही है। हालांकि अभी कोहरा पिछले एक घंटे में कम हुआ है, लेकिन हाँ ये नहीं बोला जा सकता कि कोहरा पूरी तरीके से कम हुआ है। जी ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अमित इस तमाम जानकारी के लिए।